लखनऊ निवेशक सम्मेलन, 50,000 करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव मिले, सर्वाधिक निवेश रियल एस्टेट में। सीएम ने की जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों की समीक्षा, जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट के लिए दिए निर्देश, कहा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तर्ज पर जिलों में भी हो इन्वेस्टर्स समिट। कन्नौज में अखिलेश यादव ने मंदिर की माता की किए दर्शन, संतों का लिया आशीर्वाद। सपा विधायक आजम खान की बड़ी मुश्किलें, आजम मुंबई के बांद्रा कोर्ट में होंगी पेशी, मानहानि मामले में होगी सुनवाई। सीएम योगी ने संतराज गोरखपुरी के परिवार से की मुलाकात, संतराज को दी श्रद्धांजलि, परिवार को 5,00,000 की दी आर्थिक मदद। आगरा पहुंचे गुयाना के राष्ट्रपति, ताजमहल का करेंगे दीदार। लखनऊ में शताब्दी वर्ष पर आरएसएस का प्लान तैयार, सामाजिक समरसता। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कार्यक्रम चलाएगी आरएसएस ग्रामीण युवाओं को संगठन से जोड़ने का प्लान। 13 जनवरी को होगी राज्य कैबिनेट की बैठक, जोशीमठ को लेकर सचिवालय में अहम बैठक होगी, मुआवजा राशि बढ़ाने को लेकर होगी बैठक। जोशीमठ में होटल पर कार्रवाई करने पहुंची प्रशासन की टीम का विरोध, आज मीटिंग के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई, तोड़फोड़ से पहले मुआवजे की मांग कर रहे लोग। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत रद्द होने के फैसले को दी गई है चुनौती। लखनऊ में वकीलों को हवालात में बंधक बनाकर पिटाई की गई है, 2 आरोपी दारोगाओं पर दर्ज हुआ मुकदमा, दारोगा राजकुमार वीके सरोज पर केस दर्ज। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, ढाबे पर पलटा डंपर, 4 की मौत। यूपी में कोहरे का कहर, इटावा में कई गाड़ियां आपस में टकराई, कई घायल, 4 गंभीर। आज से गोरखपुर महोत्सव का आगाज, सुरों से सजेगी सीएम सिटी की शाम। बागपत में अवैध असलहों के साथ पिता पुत्र की फोटो वायरल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूटी कार, कृपालपुर में कार सवार को गोली मारकर लूटी कार, बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई। मुरादाबाद में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने सपा और बीजेपी पर साधा निशाना, निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी की बताई रणनीति। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का आगाज, मारुति ने लॉन्च की ईवी एक्स का। संबल में तीतर लड़ाने वाले सटोरी गिरोह का भंडाफोड़, 10 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। आगरा में पुलिस और एसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़, 50,000 का नामी बदमाश ढेर। बिजनौर में सड़क सुरक्षा की बैठक में आरटीओ का बड़ा ऐलान, नाबालिग को वाहन चलाते हुए पकड़ा तो कटेगा 25,000 का चालान। दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला अज्ञात युवक और युवती का शव, ट्रेन की चपेट में आई आकर हुई मौत। ललितपुर में घरेलू वाद के चलते सास बहू आपस में भिड़े, वाद के बाद बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की मां की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भदोही में साथी ड्राइवर ने की थी मैजिक चालक की हत्या, पुलिस ने किया घटना का खुलासा, मामले वाद में आरोपी ने की थी हत्या। ललितपुर में मछलियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में 5 लोग हुए घायल। बुलंदशहर में बदमाशों का आतंक, लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने किया 2 शिक्षकों पर हमला। आगरा सेंट्रल जेल में तैनात डॉक्टरों पर गंभीर आरोप, कैदी बोला बिना रुपए के नहीं करते हैं इलाज। मिर्जापुर में आगवार गांव में एक दबंग युवक ने की पिता पुत्र की पिटाई, पुलिस ने दबंग युवक को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में बेटी से छेड़छाड़ कर डॉक्टर से खूनी बदला, प्राइवेट पार्ट काट कर दी हत्या। बाराबंकी में आवारा जानवरों से ग्रामीण परेशान, तंग आकर जानवरों को स्कूल में किया बंद। रायबरेली पुलिस ने लुटेरे की गैंग का किया खुलासा, पुलिस ने 4 लुटेरी महिलाओं को किया गिरफ्तार। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। कानपुर में छात्र चोर ने दुकान में की चोरी, दुकान से नोटों की गड्डी ले उड़े चोर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मुजफ्फरनगर में यूपी डीजीपी ने आरक्षी मनोज को किया सम्मानित, आरक्षी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में जीता मेडल, 30 मीटर में प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। चंदौली में खनन माफियाओं का आतंक, छापेमारी के बाद भी धड़ल्ले से हो रहा खनन। वाराणसी में पहुंचा गंगा विलास क्रूज, रविदास घाट पर होगा भव्य स्वागत, कोलकाता से काशी पहुंचे 28 पर्यटक, शीतलहर और धुंध के चलते 3 दिन की देरी से पहुंचा क्रूज। गाजीपुर में अवैध ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। कानपुर में गाड़ियों के टायर चोरी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस ने चोरों से पिस्टल बरामद किया। बाराबंकी में 3 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल, हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस।
जालान में अवैध संबंधों के चलते देवर ने अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं सबूत मिटाने के लिए भाभी के शव को आग के हवाले कर दिया। संभल में छुट्टा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने बदायूं मेरठ हाईवे पर छुट्टा पशुओं को खड़ा करके जाम लगा दिया। पुलिस ने हाईवे पर छुट्टा पशुओं को छोड़कर जाम लगाए जाने के आरोप में चार ग्रामीणों को गिरफ्तार किया। बागपत में अवैध असलहे के साथ युवक के फोटो सोशल मीडिया पर हुए वायरल। युवक की तलाश में जुटी पुलिस। इटावा में घने कोहरे और भीषण ठंड के चलते देरी से चल रही आधा दर्जन से अधिक ट्रेन, ट्रेन की देरी की वजह से यात्री परेशान। वहीं कानपुर नई दिल्ली शताब्दी ट्रेन रद्द की गई। औरैया में एक बुजुर्ग किसान का शव मंदिर के कमरे में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त कर जांच में जुटी। बाराबंकी में सवारी ढोती सरकारी एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का वीडियो वायरल। सवारियां ढोते एम्बुलेंस का वीडियो लोनी कटरा थाना क्षेत्र के लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे का बताया जा रहा है। महोबा में जंगल में लकड़ी बीन रही 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चंदौली में स्क्रैप बेचने के आरोप में रेलकर्मी और एक कबाड़ी समेत 3 को आरपीएफ ने पकड़ा। स्क्रैप लदा डीसीएम वाहन आरपीएफ ने किया बरामद। झांसी में अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान, सरकारी जमीन पर हुआ था वैध निर्माण, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। हादसे में हरदोई में भाग रहे कार ड्राइवर को लोगों ने पकड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, ड्राइवर की हुई जमकर धुनाई। मथुरा में आत्महत्या के लिए जा रही महिला को पुलिस से बचा, सुसाइड करने के लिए यमुना किनारे जा रही थी महिला। अंबेडकर नगर में नकली नोट के कारोबार का खुलासा, 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लाखों रुपए के नकदी नोट बरामद। घने कोहरे की वजह से मैनपुरी में हादसा, ट्रैक्टर से टकराई ओमनी कार, 6 से ज्यादा लोग हादसे में घायल। आगरा के जगनेर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, ट्रक ने इको गाड़ी को मारी टक्कर। बागपत में सांप की हत्या कर गांव में घुमाने का मामला, युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस मामले की कर रही जांच, युवक की हो रही तलाश। आरएलडी नेता आरकी रहमान खान ने गन्ना किसानों के लिए की मुहिम चलाने का ऐलान, गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित कराने की मांग। बहराइच में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग, 7 महीने की मासूम की आग में जलकर हुई मौत। फतेहपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धू धू कर जला फैक्ट्री का सामान, लाखों का सामान जलकर खाक। हरदोई में 13,803 मुर्दे ले रहे थे वृद्धा पेंशन, 10 अपात्र की पेंशन लेते पाए गए, अपात्रों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, मुर्दों के पेंशन पर लगी रोक। आगरा में आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चों पर किया हमला, 9 साल के बच्चे का पैर किया पूरी तरह जख्मी। भदोही में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 6 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, 15 लाख रुपए की कीमत का गांजा भी बरामद। ललितपुर में गर्भवती महिला 2 बेटों के साथ कुएं में कूदी, 6 साल के बेटे की कुएं में डूबने से मौत, गर्भवती महिला और एक बेटे को लोगों ने बचाया। गन्ना भुगतान को लेकर बिजनौर में किसानों ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना, भिलाई शुगर मिल के जीएम केन को बनाया बंधक, बीकेओ के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन। आगरा में जूतों की फैक्ट्री में भीषण आग, फैक्ट्री में ऊपरी फ्लोर के चैम्बर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। लखनऊ में धर्मांतरण के दबाव में हिंदू युवती ने की खुदकुशी, रफीक नाम का युवक हिंदू युवती की कर रहा था प्रताड़ना, धर्म बदल कर निकाह करने का बना रहा था दबाव। लखनऊ में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, एटीएम का क्लोन तैयार कर खाते में निकालते थे रुपए, 12 ATM कार्ड, एक बाइक 3900 रुपए बरामद। ललितपुर में नशे के धुत कार चालक ने 2 पुलिसकर्मियों समेत कई गाड़ियों को टक्कर मारी, बाजार में मची अफरा तफरी, 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। औरैया में भीषण सड़क हादसा, इटावा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने नगरपालिका कर्मचारी को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। रुद्रपुर में नाबालिग से विवाह कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का मामला आया सामने, पुलिस ने नाबालिग की तहरीर पर पिता, मां, नानी, भाई और मथुरा निवासी धर्मवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उत्तरकाशी की 26 साल की मानसिक रूप से दिव्यांग प्रियंका ने लगाई सरकार से मदद की गुहार, प्रियंका का वजन मात्र 4.5 किलो और लंबाई 2 फीट। कानपुर में ठंड के चलते हार्ट अटैक से अब तक 131 लोगों की मौत, कार्डियोलॉजी के निदेशक विनय कृष्णा ने ठंड और पोस्ट कोविड इफेक्ट को बताया हार्ट अटैक का कारण। दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को अगले 4 दिन शीतलहर से राहत, दिल्ली में गुरुवार को हो सकती है बूंदाबांदी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कोहरे का अलर्ट, इन इलाकों में घने कोहरे का अनुमान। बिहार में भी 24 घंटे के लिए ठंड का अलर्ट, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, 38 जिलों में शीतलहर को की चेतावनी। कुपवाड़ा में माछल सेक्टर में बड़ा हादसा, सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ लैंडस्लाइड, बर्फीली खाई में गिरने से 3 जवान शहीद।
भारत में कोविड को लेकर एक्सपर्ट का दावा, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन यूरोपीय, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया देशों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत। बूस्टर डोज के तौर पर कोवोवैक्स को अनुमति देने की तैयारी में सरकार, आज आ सकता है फैसला। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरे पर विश्व संगठन की नजर, लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मास्क को बनाए जरूरी। चीन में कोरोना विस्फोट पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का बड़ा बयान, यूरोपीय देशों में तुरंत चीन के कोरोना से खतरा नहीं। कोरोना पर चीन की दुनिया के देशों की अपील, तथ्यों और विज्ञान पर आधारित ले कोरोना कंट्रोल से जुड़े फैसले, दक्षिण कोरिया ने कहा वैज्ञानिक तरीके से ही लिए गए फैसले। चीन ने सस्पेंड किया द कोरिया का वीजा, कहा दक्षिण कोरिया में एंट्री का भेदभावपूर्ण उपायों को हटाए जाने तक नहीं हटेगा बैन। वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक मंदी को लेकर किया आगाह, ग्लोबल ग्रोथ रेट सिर्फ 1.7% रहने का अनुमान, अगर सही साबित हुआ अनुमान तो 3 दशक में तीसरी सबसे कमजोर होगी सालाना आर्थिक वृद्धि। यूक्रेन में जंग के बीच रूस का परमाणु हथियारों पर बड़ा बयान, रक्षा मंत्री सरगेई सेगु बोले बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बियों और स्ट्रेटेजिक बम के विकास को जारी रखा जाएगा क्योंकि ये सभी हथियार रूस की संप्रभुता को रखेंगे सुरक्षित। नई हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ रूसी शिप ने किया अभ्यास, नवेगियान सागर में ड्रिल का वीडियो किया जारी। पूर्वी यूक्रेन के सोरेदार में रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सैनिकों का शहर के अहम हिस्सों पर कब्जा, बखमुत शहर पर कब्जे की लड़ाई तेज। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर किए हथियारों की मांग, कहा रूसी हमलों का करार जवाब देने के लिए नई मिलिट्री तकनीक की जरूरत। यूक्रेन के खार्किव शहर पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान, यूक्रेन का 20 मिलियन यूरो देगा जर्मनी, स्टारलिंक इंटरनेशनल टर्मिनल के लिए एक्सेस के लिए भी 20 मिलियन यूरो देने का वादा। बखमुत में आर पार की लड़ाई जारी, यूक्रेनी सेना रूसी सैनिकों के ठिकानों पर कर रही अटैक। मकीवका में यूक्रेनी सेना के अटैक के बाद भारी नुकसान, ड्रोन फुटेज में दिखा तबाही का मंजर। यूनाटो सहयोग पर बनी सहमति, ब्रुसेल्स में साइन की गई संयुक्त घोषणा। नाटो महासचिव ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने का जताया भरोसा, सिर्फ टर्की और हंगरी की मुहर की जरूरत। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी बाढ़, कैलिफोर्निया में इस बाढ़ की वजह से अब तक 14 लोगों की गई जान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश और तूफान की वजह से पहाड़ से टूटकर चट्टान सड़क पर जा गिरी, क्रेन की मदद से हटाने की कोशिश जारी। कैलिफोर्निया में बाढ़ ने मचाई तबाही, रिहायशी इलाकों के हालात खराब, सड़कों पर बह रहा मलबा और कीचड़। ईरान में हिजाब विरोध को दबाने के लिए फांसी दे रही सरकार, सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल लोगों को दी जा रही फांसी की सजा। ईरान में फांसी की सजा को सरकार लोगों में डर पैदा करने का हथियार बना रही, यूएन मानवाधिकार प्रमुख ने बताया सरकार द्वारा पारित हत्या। ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा देने के खिलाफ प्रदर्शन, करास में जेल के बाहर प्रदर्शन। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लुला द सिल्वा ने किया सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का दौरा, रविवार को बोल्सोनारो समर्थकों ने की थी सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफिस में तोड़फोड़। पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शन में अब तक 17 लोगों की गई जान, प्रधानमंत्री ने पुलिस पर हमले को बताया सुनियोजित साजिश, पूर्व राष्ट्रपति की रिहाई और जल्द चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन। नेपाल में पीएम प्रचंड ने नेपाली संसद में हासिल किया विश्वास मत, 275 में से 278 सांसदों ने समर्थन में वोट किया। इंडोनेशिया में संसद भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन, नौकरी की मांग को लेकर संसद के बाद प्रदर्शन, संसद ने नौकरी को लेकर बिल का भी विरोध। थाल में पकड़ा गया 51 किलो ड्रग्स, हांगकांग ले जाने की थी तैयारी, ड्रग्स भेजने वाले गैंग की तलाश जारी। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।